अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत होंगे। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, और सर्दी भी लग रही है, धूप भी निकल रही है, और बच्चियां स्कूल भी नहीं गई। इत्तेफाक ऐसा है कि उनका पीर से स्कूल खुला है, लेकिन वो जो ना मंडे को भी जा सकें स्कूल, कल भी नहीं जा सकें, आज भी नहीं जा सकें। आज भी मैंने सुबह उठाया था उनको, मैं खुद भी उठती थी उनको भेजने के लिए, लेकिन वो बारिश हो रही थी तो इसलिए वो लोग जो ना भेजा नहीं मैंने उनको ना। अभी कल देखते हैं क्या है, मतलब बारिश होती है नहीं होती, दिन कैसा है कल का, तो फिर इंशाल्लाह कल बच्चों को स्कूल भेजूंगी। और ये शिफा से मिलते हैं, शिफा इधर आइए, अभी बच्चों को ट्यूशन जाना है। अभी बच्चों को ट्यूशन जाना है, और मेरा दिल चाह रहा था पकौड़ों का या समोसे या रोल, कोई इस टाइप की चीज़ ना, चिप्स वगैरह, तो मैंने अभी फरहान भाई को भेजा है लेने के लिए, मेरा दिल चाह रहा था खाने का बहुत। और अभी हम घर में बनाते तो हमें बहुत टाइम लग जाता बनाने में, तो मैंने कहा नहीं अभी बनाने का तो टाइम नहीं है, तो फरहान भाई को भेजा मैंने अभी लेने के, फरहान भाई आ जाए लेके, तो फिर आ गए बैल बजी देखते जी। तो छोले भी देखें, ये हमारे जो है ना समोसे आ चुके हैं। मैंने तो अपने और अनम के लिए रोल मंगवाया था, लेकिन हमारा नसीब बड़ा ही ख़राब है, रोल मिला ही नहीं। अब ये समोसे लेके आए फरहान भाई, ये जलेबी मंगवाई है मैंने बच्चों के लिए, और ये चाय हमारी रेडी है, और बाकी ये छोले भी गए हैं। शाम में छोले चावल बनेंगे, पता नहीं मसाले वाले बनेंगे या फिर जी मेरे गुड्डे या सादे बनेंगे, तो जब बनेंगे तो फिर आप लोगों से शेयर करेंगे मेनू। एक मिनट गुड्डे, तो दिखाते हैं आप लोगों को, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में जी। तो फ्रेंड्स, ये मैं आप घूम रही हूँ आटा, आटा मुझे दोपहर में गूंदना था, लेकिन मैं दोपहर में गूंद नहीं सकी, क्योंकि वो आज मेरा काम जो है ना मुझे लग रहा था एक्स्ट्रा हुआ है, क्योंकि किचन साफ़ किया, उसके बाद वॉशरूम वगैरह धोए, वॉशरूम आज मैंने एक सही से धोया था, ज़रा लग के सब से अच्छी तरह दीवार वगैरह धोई, सब बाल्टी ये सब चीज़ें धोई, तो मुझे उसमें लग गया था टाइम, तो अभी दोपहर मुझे टाइम नहीं मिला आटा गूंद दो, तो हमें गूंदी आटा, फिर बॉयल करने। मिश्रा की हाँ, उसको छुट्टी मिल जाएगी कल जी। दोस्तों की देखिए, मैं छोले चावल बनाने की कर रही हूँ तैयारी। ये प्याज लाल हो गई तकरीबन, इसमें डालूंगी अदरक लहसुन, इसमें डाला दो चम्मच अदरक लहसुन, भूनने के बाद मैं डालूंगी गरम मसाला, छोटी काली मिर्चें, लौंग, तेज़पत्ता, और बादियान के फूल, और ये सब चीज़ें, बड़ी इलायची, दालचीनी, वो सब भूनूंगी। फिर इसमें मैं डालूंगी ये टमाटर, दो टमाटर मैंने काट लिए हैं, बस एक टमाटर मैंने दम पे लगाना है, भिग गया इसमें। ये इसमें ऐड कर दूँ जीरा, और ये है हल्दी, थोड़ा सा बिरयानी का मसाला, ये भी मैं अभी इसमें मिलाऊँगी, ये थोड़ी सी भुनाई जाए इसकी। आज बन रहे मसाले वाले छोले चावल, तो लड़के हमारे मसाले, आधे चावल, आधे लड़के मसाले वाले शॉप से खाते हैं, आधे जो है ना वाइट वाले शॉप से खाते हैं, तो वाइट वाले मटर चावल परसों हमने बनाए थे, तो ये आज मसाले वाले बन रहे हैं जी। दोस्तों देखिए, मैं इसमें मसाला ऐड करने जा रही हूँ, दो चमचे मैंने नमक लिए हैं, थोड़ी सी पीसी मिर्ची, दो चमचे बिरयानी मसाला, और थोड़ी सी हल्दी, नमक, और बाकी मैं चावलों के हिसाब से आगे डालूँगी, क्योंकि एक पाव चावलों में एक चमचा नमक डलता है, तो उस हिसाब से अगर एक किलो चावल बन रहे तो चार चमचे नमक, और अगर सवा किलो बन रहे तो पाँच चमचे नमक। और ये भी समझा रहे हैं हमारे छोले, असल में आए हुए हमारे मेहमान, तो अनम मेहमानों को कंपनी दे रही है, तो इसलिए मेरा अकेला हाथ रहो ना, मैं खाना बनाती तो अनम वीडियो बनाती, तो अभी अनम फ्री होके आ जाएंगी, तो फिर अनम करेंगी ये काम, कैमरा वुमेन बनेंगी अनम जी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये चावल भिगो दिए, बाकी मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया मसाले का, चावल 15 मिनट भीग जाएंगे, तो फिर उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को चावल जब मैं डालूँगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, और आज थोड़ी बिजी थी, तुम्हारे यहाँ अकेली खाना बनाने, ठोट ठोट हो गए क्या? हाँ, क्या सब, तो ये मसाला हो गया रेडी, अब इसमें डाली हरी मिर्ची, टमाटर, और ये हरा धनिया, और सब चावल डालूंगी इसमें। हाँ, मुझे भूख भी लग रही है यार, आज खाना हम लोगों ने जल्दी खा लिया था, हमने 1:30 बजे खाना खा लिया था दोपहर को, वरना हम 2:30-3 बजे के टाइम पे खाते हैं,
जी तो चावल वानियाँ डाल रही हैं। मसाले की खुशबू कितनी अच्छी आती है ना, लगता है बिरयानी बन रही है। हम तो ये छोले के चावल भी जो बनाते हैं तो ये भी बिल्कुल बिरयानी की तरह ही बनाते हैं। बिरयानी का मसाला डालते हैं हम लोग उसके अंदर, डाला है ना तुमने भी, खुशबू आ रही है। पुलाव भी और ये भी, चलें दिखाते हैं ये बॉयल आ जाए इसमें तो दिखाते हैं आप। जी तो दोस्तों ये देखें हूरिया ने स्कार्फ बांधा है और ये स्कार्फ बांधने में बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह। तो दोस्तों देखें गैस आ रही है थोड़ी सी कम, तो हमारे चावल में बॉयल आ रहा है लेकिन बहुत हल्के हल्के आ रहा है। और बाकी इधर मैं करूँ सैलेड की तैयारी, प्याज मैंने काट ली, अब इसको ठंडे पानी में रखा है क्योंकि ठंडे पानी में प्याज रखने से मतलब आँखों में ज़्यादा लगती नहीं है। आजकल वैसे थी ख़राब प्याज आ रही है, तो अभी जब ये दम आ जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स तो इन चावल रखने लगे दम पे और ये मेरी सैलेड भी तैयार है और मुझे पापा की रोटी बनानी है। पापा रोटी, ये चावल हो जाए रेडी तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये हमारे चावल हो गए हैं रेडी और ये बाकी बन गई है पापा की रोटी और बस हम खाएंगे अब खाना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दें हाथ के हाथ। और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और इंशाल्लाह नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ कल मिलेंगे इंशाल्लाह। मीनू ये देखिए मीना क्या करेंगे, क्या कर रही हो, खाना खाएंगे, भूख लग रही है। अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, हाँ बस।